हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो बस बज चुके हैं शाम के 5, हो रही है हमारी घूमने की तैयारी। हम रोज जाते हैं इवनिंग वॉक पे। तो फ्रेंड्स, वो बाहर जो है शोर आ रही है आपको भौंकने की, वो है मेरी रॉक्सी। शायद इसके लिए दरवाजा बंद हो चुका है, तो इसी वजह करके उसको लगता है मुझे बाहर रख दिया, अपने आप अंदर है। तो बस पहले मैं जाकर उसको दरवाजा खोलती हूँ, उसके बाद चलो साथ साथ आपको भी ले चलती हूँ, रॉक्सी से भी मिलवाती हूँ। तो ऐसी है फ्रेंड्स हमारी रॉक्सी। इसको यही लगता है हमेशा कि मेरे लिए इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और अपने आप अंदर है। तो ये देख लो, ये है हमारी रॉक्सी। तो इसको हमेशा ही दरवाजा हमें ओपन करके रखना पड़ता है, नहीं तो हमेशा इसी तरह करके भौं 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 चिल्लाती रहती है पूरा दिन। तो फ्रेंड्स, मैं क्या कह रही थी, तो बस 5 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में मेरी फ्रेंड का कॉल आ जाएगा कि चलो दीदी चलते हैं इवनिंग वॉक पे। तो बस मैं खड़ी थी अपने किचन में। मैं कल गई थी मार्केट और वहां से लेके आई हूँ बादाम। फ्रेंड्स, ये वाले बादाम है छिलके वाले। मुझे लगा था शायद जो दूसरे बादाम होते हैं विदाउट छिलका वाले, तो उसमें से ऑयल निकला होता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ये है। चाहे कोई भी बादाम लेके आओ, तो मुझे कल दिख गए। मार्केट में बैठी थी एक लेडी, वो बेच रही थी, तो मुझे भी लगा ले जाने चाहिए। और बहुत ही सस्ते दिए थे उसने फ्रेंड्स, ये वाले बादाम पता कैसे किलो दिए थे, 600 रुपए किलो। तो मैं 1 किलो लेके आई थी अभी ट्राई करने के लिए। तो बस ट्राई करते करते शायद से मैं 250 ग्राम या 300 ग्राम इतना तो खा चुकी हूँ, पर इतने टेस्टी नहीं है। ये देख लो, लंबे वाले बादाम है, इतने टेस्टी नहीं है ये खाने में। मुझे तो लगा था बहुत ही टेस्टी होगे, क्योंकि इसमें जो है ये रैपर लगा है बाहर से, तो इजीली टूट जाते हैं ये, तो ऐसा नहीं है जैसा मैं सोच के लाई थी। पर इससे टेस्टी तो वही वाले बादाम होते हैं जिसमें रैपर नहीं लगा होता है, पैकिंग वाले जो भी आते हैं वो। ये कह रहे थे कि कश्मीर का बादाम है, पर मैं लेके तो आई, शुक्र है ज्यादा नहीं लेके आई, पर 1 किलो लेके आई। खाने में इतने ज्यादा टेस्टी नहीं है जितना मैं इनको सोच कर लेके आई थी कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी होंगे। तो बस फ्रेंड्स, आप लोगों से यही मुझे शेयर करने थे। तो अब हम बहुत खा चुके हैं ये आप लोगों के लिए भी। तो बस 5:30 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में मैं फटाफट से अपने शूज पहनती हूँ और निकलती हूँ इवनिंग वॉक के लिए, क्योंकि जाना बहुत जरूरी है। मैं 2 दिन पहले हॉस्पिटल भी गई थी क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रह रही थी। तो उसमें मैंने एक रील भी डाली थी जिसमें मैंने एक पैर का स्प्रे पकड़ा था और दूसरा मूव स्प्रे। तो बस सुबह ही रील्स बनाई थी, तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आए हैं काफी सारे लोगों के, तो कह रहे थे कि पैरों में दर्द, समझ लो बुढ़ापा आ गया। मैं कभी हार नहीं मानूंगी, बुढ़ापा चाहे जितना भी आए फ्रेंड्स, बुढ़ापे से कुछ नहीं होता, इंसान के पैर चलने चाहिए और दिल जवान होना चाहिए, है कि नहीं फ्रेंड्स? तो बस मुझे लगा काफी टाइम हो गया मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, आप लोगों से बातें भी नहीं की। तो मैं गई थी हॉस्पिटल, हमारे सोलन के जोनल हॉस्पिटल में, वहीं गई थी मैं इस बार, सरकारी हॉस्पिटल। तो वहां पे है डॉक्टर अनुज गुप्ता, वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर है फ्रेंड्स। तो बहुत सभी लोग तकरीबन मेडिसिन के है, वो सभी लोग उनको उनके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, जो पेशेंट एक बार उनके पास चला जाए तो वो ठीक होकर ही छोड़ते हैं अपने पेशेंट को, तब तक वो उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है, बहुत ही अच्छे दवाइयां देते हैं। दूसरा, उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, और जो उनका टाइम है उस टाइम से कभी नहीं, वो टाइम से पहले ही बैठते हैं और छुट्टी का टाइम खत्म होने तक, जब तक उनके पेशेंट को वो चेक ना करे सभी को, तब तक वो घर जाते नहीं। तो
फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे खास हिदायत दी है, नेक्स्ट टाइम हम मैम तभी मिलेंगे जब अब आप अपना वेट कम करोगे, रिड्यूस करोगे। रिड्यूस होता है क्या? होता है घटाने को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर वही उन्होंने ये कहा है जब तक आप अपना वेट कम नहीं करोगे तब तक हम लोग नहीं मिलेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगी अब के बाद, जब से डॉक्टर अनुज गुप्ता से मिली हूं, तो बस मैं डेली वॉक करूंगी, घर में भी एक्सरसाइज करूंगी, खूब दौड़ती भागती रहूंगी। और दूसरी चीज, सारे काम मैं खुद करती हूँ, घर के भी बाहर के भी। आज गई थी टंकी साफ करने के लिए, तो पानी का टैंक जो छत के ऊपर लगी है उसी को ही का पानी काफी दिनों से कम आ रहा है, तो मुझे लगा आज पानी की टैंक साफ करनी चाहिए, तो मैं उसमें उतर गई। उतर तो गई फ्रेंड्स, वो 500 लीटर वाली थी और मैं काफी हेल्दी, उतर गई, नीचे बैठी टैंक में, तो पूरी तरह से जो ये शोल्डर है ये मेरे अड़ गए उसमें, तो मैंने इस तरह से किया और ऐसे करके मैं नीचे गई पानी के टैंक में और उसकी अच्छे से सफाई की। जब ऊपर को आ रही थी ना फ्रेंड्स, सफाई करते करते एक नुकसान भी हो गया, तो मेरी जो लेफ्ट साइड वाली लेग है वो जोर से लग गई बॉल में, टैंकी के बॉल में जो पानी कंट्रोल करता है, वॉल कॉक, तो उसी में लग गई, वो टूट गया, एक नुकसान ये हुआ। तो बस अब फिर से प्लम्बर को कॉल करना पड़ेगा कि आके वॉल चेंज कर दे। तो बस देखती हूँ कल सुबह ही पानी आने वाला है, आज तो टंकी की सफाई की, क्योंकि एक महीने से हमारे यहाँ पानी की किल्लत हो रही है, इतनी कभी नहीं हुई जितना इस बार हो रही है। तो बस उम्मीद है सुबह पानी वाला पानी अच्छे से छोड़ दे और सारी टैंक फुल करवा दे। तो फ्रेंड्स, बस बातें अभी खत्म करती हूँ, घूमने जाने की तैयारी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय। तो ये देख लो फ्रेंड्स, ये है बॉल जो कि यहाँ से टूटा है, अब ये जुड़ भी नहीं पाएगा, दूसरा ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये देख लो, आज मैंने टैंक साफ किया है, कितना खूबसूरत लग रहा है और पानी भी फ्रेश हो गया।